नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको जया की चाय की राह थाली में एकदम नए जायके का टेस्ट कराऊंगी। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं बच्चों के मनपसंद लंच बॉक्स रेसिपी मिनी रवा इडली। और इसे हेल्दी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे वेजिटेबल्स भरपूर डाली है, और आप भी इसे अपने मनपसंद फ्लेवर और टेस्ट में बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे इसे बनाने के लिए मैंने सबसे पहले इस कढ़ाई को गर्म कर लिया है, और इसमें मैं ये लगभग 2 छोटे चम्मच ऑलिव ऑयल ऐड कर रही हूँ। मैंने यहाँ पे ऑलिव ऑयल लिया है, आप किसी भी ऑयल का यूज़ कर सकते हैं। और अब ऑयल गर्म हो गया है तो मैं यहाँ पे 1/2 चम्मच राई ऐड कर रही हूँ। साथ में मैं 1/3 स्पून हल्दी पाउडर ऐड कर रही हूँ। और जैसे ही ये सारी चीज़ें गर्म हो जाएंगी, मैं यहाँ पे लगभग 2 कटोरी सूजी ऐड कर रही हूँ। आप कोई भी मेजरमेंट यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि हमें 2 कटोरी सूजी ही ऐड करनी है। आप अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग जितना आपको इडली बनानी है उतनी सूजी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। और लो मीडियम फ्लेम पे हम इसे 3 से 4 मिनट रोस्ट कर लेंगे। हमें इसे बहुत ज़्यादा देर नहीं भूनना है, लेकिन थोड़ी देर ज़रूर भून लेंगे। इस तरह से रोस्ट करके बनाने से ये इडली बहुत स्वादिष्ट बनती है और सभी को बहुत पसंद आती है। तो बस अब इसे लगातार चलाते हुए हमें थोड़ी देर भून लेना है। और अब लगभग 4 मिनट हो गए हैं, और आप देख सकते हैं कि सूजी बिल्कुल अच्छी सी दिखाई दे रही है। तो इस स्टेज पे हम फ्लेम ऑफ कर सूजी को ठंडा होने के लिए दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर देंगे। और ये देखिए, मैंने अब सूजी को अच्छे से यहाँ पर ठंडा कर लिया है। तो अब बारी है आगे की तैयारी की। तो इसके लिए मैं इसे थोड़ा सा और हल्का सा चला ले रही हूँ, जिससे बिल्कुल ठंडा हो जाए। और अब मैं यहाँ पर ये देखिए छीली हुई मटर है, लगभग ये 50 ग्राम मटर है, मैं इसे ऐड कर रही हूँ। इसके बाद एक बड़ी शिमला मिर्च को मैंने छोटे टुकड़ों में काट लिया है, इसे ऐड कर रही हूँ। नेक्स्ट मैं यहाँ पे एक कटी हुई गाजर को ऐड कर रही हूँ, इसे भी मैंने छोटे टुकड़ों में काट लिया है। और इसके बाद कटी हुई प्याज मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ, ये भी एक बड़ी साइज की प्याज है। सब्जियों के बाद अब बारी है स्वाद की, तो मैं ये कटी हुई धनिया पत्ती यहाँ ऐड कर रही हूँ। इसके बाद ये 1/2 चम्मच नमक मैं ऐड कर रही हूँ, और साथ में 1/3 स्पून ये लाल मिर्च ऐड कर रही हूँ। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। और अब मैं यहाँ पे ये खट्टी दही है, ये लगभग 1 कप दही है, इसे मैं ऐड कर रही हूँ। और इसके बाद हम चम्मच की सहायता से सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, खूब अच्छे से फेंट लेंगे। और पानी की आवश्यकता महसूस होगी तो यहाँ पर हम पानी भी ऐड कर लेंगे। ये देखिए, मैंने इसे मिक्स किया है और अब ये काफ़ी गाढ़ा सा लग रहा है, तो मैं इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करूँगी। हमें इसे इडली के बैटर जैसा बनाना है, इसलिए हमें उतना पानी इसमें ऐड करना होगा जिसमें ये अच्छे से फिट जाए, और थोड़ी देर हम इसे फूलने के लिए भी रखेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपसे कहना चाहूँगी कि यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन प्रेस कर ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे ऐसी सभी नई रेसिपीज़ आपको सबसे पहले मिले। और अब मैंने इसे मिक्स कर दिया है, तो कवर करके लगभग 5 से 10 मिनट हम इसे रेस्ट करने के लिए रख देंगे। और चलिए तब तक बाकी की तैयारियां कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने छोटी साइज का इडली स्टैंड लिया है, ये प्रेशर कुकर में आ जाएगा, ऐसा छोटा स्टैंड मैंने लिया है। और इसमें थोड़ा थोड़ा ऑयल डाल करके मैं इसे ग्रीस कर ले रही हूँ, जिससे इडली तैयार हो सके। और ये देखिए, मैंने फ्लेम ऑन कर उस पर ये कुकर रख दिया, और इसमें मैं थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूँ। पानी हमें उतना ही ऐड करना है जो स्टैंड के ऊपर ना आए। और अब इसे कवर करके हम गर्म होने के लिए रख देंगे। लगभग 5 मिनट हम पानी को बॉयल होने देंगे इस तरह से कवर करके। और अभी मैंने सीटी लगी रहने दी है, बाद में हम सीटी को हटा लेंगे। और अब चलिए चेक कर लेते हैं बैटर को। तो ये देखिए, थोड़ा गाढ़ा हो गया है, सूजी अब अच्छे से फूल गई है। तो मैं इसमें थोड़ा और पानी डाल करके इसे परफेक्ट कंसिस्टेंसी का कर ले रही हूँ। ये देखिए, इस तरह से अब बैटर रेडी है, जिससे हम इडली तैयार कर सकें। इसे अच्छे से मिक्स करके बस अब हमें प्लेट में रखना है। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे ना तो सोडा यूज़ किया है और ना ही इनो पाउडर का यूज़ किया है, केवल खट्टी दही से इस पूरे बैटर को तैयार किया है। और अब मैं इसे इस तरह से इडली स्टैंड में रख रही हूँ। ये देखिए, थोड़ा थोड़ा बैटर हमें रखना है, ज़्यादा बैटर रखने पर ये फूल करके ऊपर के स्टैंड में चिपक जाएगी और निकालने में इसका शेप अच्छा नहीं आएगा। तो आप देखिए, मैंने इसे इस तरह से तैयार कर लिया है, और अब मैं सारे स्टैंड की प्लेट को एक पर एक लगा दे रही हूँ। हम इस इडली को इडली कुकर में भी रेडी कर सकते हैं, लेकिन प्रेशर कुकर में इसे तैयार करना ज़्यादा आसान है,
क्योंकि ये छोटा सा स्टैंड है जो कुकर में अंट जाता है, और अभी ये बिल्कुल रेडी है। देखिए मैंने इसके ऊपर से कवर भी कर दिया है, तो बस अब हम पानी भी हमारा गर्म हो गया है तो उसमें इसे रख देंगे। ये देखिए पानी अब बॉयल हो गया है तो मैं इसमें स्टैंड को डाल दे रही हूँ, और इसके बाद हम ढक्कन लगा करके बंद कर देंगे और प्रेशर कुकर की जो सीटी है उसे निकाल लेंगे। रबड़ लगा रहने दे सकते हैं। और ये देखिए मैंने कुकर को बंद कर दिया है और एकदम लो फ्लेम पे हम इसे लगभग 15 मिनट कुक करेंगे। ये देखिए इस तरह से मैं इसे 15 मिनट कुक कर ले रही हूँ। 15 मिनट कुक करने के बाद हम अच्छे से इसे ठंडा होने देंगे। और ये देखिए मैंने अब स्टैंड को बाहर निकाल लिया है, इडली बिल्कुल रेडी है। तो हम इसे खोल करके इस तरह से ठंडा होने के लिए रख देंगे। यदि हम गर्म इडली इसमें से निकालेंगे तो वो चिपक जाएगी और ठीक से नहीं निकलेगी, तो थोड़ा सा ठंडा होने का इंतज़ार करेंगे। हम इडली स्टैंड को पहले ही अच्छे से इसीलिए ग्रेस करते हैं कि जब हम इडली निकालें तो बिल्कुल सरलता से एकदम पूरी पूरी इडली बाहर आ जाए। ये देखिए इस तरह से हम इस नाइफ की सहायता से सारी इडली को स्टैंड से अलग कर लेंगे। और फ्रेंड्स ये एकदम टेस्टी सॉफ्ट स्पॉन्जी इडली बिल्कुल रेडी है। दोस्तों मैं आपको दिखाती हूँ कि इडली कितनी टेस्टी सॉफ्ट बनी है। तो फ्रेंड्स आप इस रेसिपी को बच्चों के लंच बॉक्स में भी ट्राई कर सकते हैं। आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मेरी सभी नई रेसिपीज आपको सबसे पहले मिले। गुड बाय।